ये क्या हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का। ये सवाल इस देश की जनता से है दोस्तों। जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं, नरेंद्र मोदी सबसे फ्रॉड प्रधानमंत्री हैं। जब इस देश की जनता सड़क पर आकर अपना हक मांगती है तो वो फिर मोदी हो कोई हो झुकना पड़ेगा। कहने के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कुछ किया है क्या कि मोदी जी ने 9 साल इस देश के खराब किए हैं, देश को 30-40 साल पीछे कर दिया है। मीडिया को हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं विकास दिखाने के लिए, पर विकास कहीं नहीं है। एक तरफ इस देश में एक घंटे में मोदी जी के प्रिय मित्र 85 करोड़ रुपए कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी देश में एक घंटे में 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। आज इस देश का युवा रोजगार की गारंटी चाहता है, लीगल गारंटी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा बेरोजगार पड़े हैं, लेकिन सरकार चैन की नींद सो रही है और भर्ती करने का कोई नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार अपनी मन मर्जी से चलती है। राजनीति तो पूरी बेरोजगारी और रोजगार देने को लेकर होती है, लेकिन जब दावे को वादे में बदलने का समय आता है तो सरकार चैन की नींद सो जाती है और मुद्दे भटकाने का काम करने लगती है। इसी को लेकर तमाम लोगों में आक्रोश है और इसी को लेकर हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ उनका कहना है इस पर उनकी राय जानेंगे। मेरा नाम अरुणोदय सिंह परमार है और मैं मध्य प्रदेश युवा हल्ला बोल का अध्यक्ष हूँ। आज ये कार्यक्रम 15 जुलाई को यहाँ हुआ, संयुक्त युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें मुख्य रूप से बात ये हुई कि जो भरोसा है वो इस देश के युवाओं को देना है। भरोसा क्या है, जिसमें मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हर युवा को रोजगार की कानूनी गारंटी मिले और 9 महीने के अंदर परीक्षाएं हो, भर्ती परीक्षाएं हो, फेयर तरीके से हो, जिसमें कोई भी प्रकार की धांधली ना हो, बेमानी ना हो, जिसे हमने मॉडल कोड ऑफ पेपर लीक ना हो, पेपर लीक ना हो, एग्जैक्टली जैसे हमने मॉडल कोड ऑफ एग्जामिनेशन के एक प्रोटोकॉल के रूप में भी जिसे हमने कहा है। तीसरी चीज ये है कि जो रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है उस पर रोक लगे, मतलब जो संविदावादी जो जॉब्स हैं जिसमें बढ़ावा दे रही है सरकार, उस पर रोक लगे। और चौथा मुद्दा ये है कि जो मुदानीकरण है, जो प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, उसे रोका जाए। इन 4 को लेके इसी को भरोसा बोला गया है और इस देश में इस युवा को अब भरोसा चाहिए। जैसा आज लिखा था ना वहाँ बैनर में, वी नीड भरोसा, द यूथ ऑफ दिस कंट्री नीड्स भरोसा, दैट्स इट। भरोसा का पूरा डेफिनेशन बताइए, आपने वहाँ पे कुछ लिखा था। हाँ। भरोसा भारतीय रोजगार संहिता। हाँ। भारतीय रोजगार संहिता, इसी के तहत जो 4 बातें मैंने आपको बोली वो इसी के तहत आती हैं। ये आज इस देश के हर युवा को भरोसा चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख चीज ये है कि आज इस देश का युवा रोजगार की गारंटी चाहता है, लीगल गारंटी, कि इस देश के हर युवा को रोजगार की लीगल गारंटी चाहिए, सरकार उसे लीगल गारंटी दे, दैट्स इट। कैसे रोजगार की लीगल गारंटी जो है, राजनीति के टाइम दावे और वादे सब होते हैं, लीगल गारंटी कैसे चाहिए आपको? इसी को लेके संयुक्त युवा मोर्चा ने ये प्लानिंग की है कि हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। सरकार जब दबाव में आएगी तो सरकार करेगी। जहाँ तक बात, सरकार दबाव में ही तो नहीं आती, पहलवानों ने इतना व्यापी मतलब इतना भव्य प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार दबाव में नहीं आई है। नहीं देखिए, मैं अभी आज संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक थी, संयुक्त युवा मोर्चा के पहले एक संयुक्त किसान मोर्चा आपने सुना होगा। हाँ। वो धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर्स पे, क्या नतीजा निकला, अल्टीमेटली जाके देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और 3 काले कृषि कानून वापस हुए। उसी तर्ज पर अगर संयुक्त युवा मोर्चा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करता है इस भरोसे को लेकर, इन 4 मांगों को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इस देश की जनता सड़क पर आकर अपना हक मांगती है तो वो फिर मोदी हो कोई हो झुकना पड़ेगा, दैट्स द सॉल्यूशन। सरकार कहती है, सरकार ने आगे भी राजनीति का टाइम कहा था, इलेक्शन के टाइम वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल, उस हिसाब से 9 साल में 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए, कितना हुआ है? 7.22 लाख नौकरियां।
सरकारी नौकरियां मोदी जी 8 साल में दे पाए हैं, जबकि उन्हीं 8 वर्षों में इस देश के 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी मोदी जी से मांगी, लेकिन सरकार दे पाई कितनी, 7.22 लाख नौकरियां। ये फैक्ट है। एक तरफ इस देश में 1 घंटे में मोदी जी के प्रिय मित्र 85 करोड़ रुपए कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी देश में 1 घंटे में 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। ये भी एक आंकड़ा है। इस देश में बढ़ती आर्थिक असमानता और साथ ही साथ जिस प्रकार से आज बेरोजगारी, जिस प्रकार से महत्वपूर्ण सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये आज इस देश के समक्ष बहुत बड़ी समस्या है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा में घोटाला देखा होगा आपने, जिस प्रकार से खुल्लम खुल्ला पेपरों की बिक्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10वीं 12वीं की परीक्षा पेपर मध्य प्रदेश के टेलीग्राम में 299 रुपए के बिक रहे थे। ये क्या हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का? ये सवाल इस देश की जनता से है दोस्तों। आप खुद बताइए, पटवारी की परीक्षा में जो रिजल्ट आया टॉप 10, उसमें से 7 कैंडिडेट्स एक ही कॉलेज से हैं। ये कितना बड़ा घोटाला है, और वो कॉलेज किसका है? ग्वालियर के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का है। भाजपा के विधायक पेपर लीक करा रहे हैं, धांधली करा रहे हैं और व्यापम जैसे घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। ये भाजपा की हकीकत है। इस देश के युवा जितनी जल्दी ये चीज़ समझ जाएंगे, उतनी जल्दी हम इस देश को बचाने की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रोजगार मांगिए नहीं, रोजगार देने वाला बनिए, खुद का स्टार्टअप कीजिए और रोजगार लोगों को दीजिए। ये तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं, कहने के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कुछ किया है क्या? आज आप देखिए, इस देश की जितनी भी प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं वो सिर्फ एक अपने प्रिय मित्र को दे रहे हैं, और जो जितनी भी कंपनियां हैं जो लॉस में जा रही हैं उनको पब्लिक बना रहे हैं, उनमें जनता का पैसा डाल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो सिर्फ एक जुमलावादी व्यक्ति हैं जिनका काम है जुमले देना। आज बोला ना कि नरेंद्र मोदी इस देश के अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं, नरेंद्र मोदी सबसे फ्रॉड प्रधानमंत्री हैं जिनने आज तक सिर्फ और सिर्फ जुमले ही दिए हैं। ये सच्चाई है। वो लोग वो विकास कर रहे हैं नहीं, विकास वो विकास कर रहे हैं। कौन कह रहा है विकास कर रहे हैं? पब्लिक कहती है। आप एक चीज बताइए, अगर इस देश के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर इस देश के युवा के जेब में पैसा नहीं होगा, तो उस विकास का युवा क्या करेगा? कौन सा विकास आप बताइए ना, कहाँ विकास है? कहीं विकास नहीं है। विकास सिर्फ मीडिया में दिखाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया को हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं विकास दिखाने के लिए, पर विकास कहीं नहीं है। अप्रैल फूल बनाया जा रहा है हर दिन। पहले 1 अप्रैल को सिर्फ अप्रैल फूल होता था, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो हर दिन अप्रैल फूल की तरह हो गया है इस देश के लिए। हर दिन मीडिया शाम को लेके माला जपना शुरू कर देती है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। सच्चाई ये है कि मोदी जी ने 9 साल इस देश के खराब किए हैं, देश को 30-40 साल पीछे कर दिया है, और आज इस देश पर जितना बड़ा बेरोजगारी का खतरा है इस देश के इतिहास में कभी नहीं रहा। साफ तौर पर आपने सुना कैसे मीडिया कहती है कि 9 साल बेमिसाल राजनीति में, बीजेपी कहती है, सत्ताधारी जो पार्टी है वो कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल, वहीं पब्लिक की ओपिनियन ले तो पब्लिक कहता है कि 9 साल बीजेपी ने ख़राब कर दिया है, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया, सिर्फ दावे और वादे किए हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।